तमादिदेवं पुरुषोपुराणं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपम्। श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, बद्ध जीव किसी भी तरीका से अप्राकृत जगत का साथ संबंध नहीं जोड़ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। बद्ध जीवों का हिम्मत नहीं है जो अप्राकृत जगत का साथ संबंध जोड़े, संभव नहीं। इसीलिए भगवान इस जगत में शब्द ब्रह्मों का रूप में अवतरण किया। ठाकुर जी श्रीमद् भागवत जी महापुराण का बारे में श्रील सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज जी को ये रहस्य को खोले, साफा बता दिया, देखो राजन ये जो श्रीमद् भागवत जी महापुराण ये साक्षात कृष्ण एव ही, कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं है। शब्द ब्रह्मों का रूप लेकर भगवान श्रीमद् भागवत जी महापुराण के रूप में स्वयं उपस्थित है। जो श्लोक का अवतारणा किया मैंने पहले शुरुआत में, इसी में भी इस श्लोक में भी ये बात साफा दिखाया गया। इस श्लोक का अंदर भी है, तमादिदेवम पुरुषो पुराणम तमालवर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। पहले कृष्ण देके शुरू किया, भागवत देके शेष किया, मतलब शब्द ब्रह्म का रूप पकड़ कर भगवान भागवत जी महापुराण का रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित है। ऐसे भी हमारा पूर्वजों ने, गुरुवर्गो, शास्त्रकारों ने शास्त्रों का प्रमाण उठाकर लिख दिया, प्रवचन में भी बहुत आता है, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलिकाल में विशेष करके, विशेष हर काल में ही नाम रूप में कृष्ण स्वयं उपस्थित है। कलिकाल में नाम रूपे, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इसका मतलब ये नहीं समझो कि सत्य युग में, त्रेता युग में नाम रूप में कृष्ण नहीं था, ना, नॉट दैट। कलौ केशव कीर्तनात्, कलिकाल में केशव कीर्तन कर सर्वसिद्धि हो, इसका मतलब ये मत समझो कि हम सत्य युग में आकर संकीर्तन कर सिद्ध नहीं होगा, नॉट दैट। संकीर्तन का जो प्रभाव है, भगवान का जो नाम का जो प्रभाव है, हर समय, हर स्थिति, हर देश काल पात्र, किसी भी अवस्था, किसी भी काल में सतत सिद्ध है। तो सत्य युग में संकीर्तन के द्वारा सिद्धि नहीं होगा ये माने, ये नहीं, ये माने नहीं। सत्य युग में भी सिद्धि होगा संकीर्तन, त्रेता युग में भी है, द्वापर युग में और कलिकाल में तो है ही है, क्योंकि तुलसीदास जी सफा उधर लिख दिया पूरा। कलिकाल केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जीव उत्तर ही पारा। नाम छोड़ के है ही नहीं, कोई साधन करे तो उसमें भी दोष आ जाएगा। कैसे दोष? भले जो कुछ भी साधन अपनाओ, जो कुछ भी साधन करो, उसी में कुछ ना कुछ दोष स्पर्श हो जाए। मंत्र तहश्चिद्यम तंत्र तहश्चिद्यम दोष देश काल समारहता सर्वम निश्चिद्यम करति नाम संकीर्तनम। तब भगवान का नाम संकीर्तन के द्वारा सारे तुम्हारा जो मजबूरी है, जितना सारे फॉल्ट है, जितना सारे दोष है, ये सारे मिट जाएगा। भगवान का नाम के इतना प्रभाव, इतना प्रभाव है कि हम बोल नहीं सकता। ये भगवान का नाम, भगवान का नाम, ये भगवान का नाम लेने का बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना किया। ब्रह्मा जी अपने को बेवकूफ समझा था, मैं कौन हूं, कहां से आया, ये सब आएगा प्रश्न।
बाद में ठाकुर जी जब उपदेश किए और तपस्या करते करते बहुत सारे प्रसंग आए, तो वो मंत्र जब करते करते भगवान का नाम, तब उसका सृष्टि रचना का पावर आया था, क्षमता। वो भी ठाकुर जी का पूरा आशीर्वाद था। देखो ब्रह्मा जी ने घबराया, बोले आपने मेरे को ऐसा सेवा में लगा दिया, इस सेवा में तो दिल घबराएगा, क्योंकि वो सृष्टि का है, सारे लफड़ा है उसमें, कौन क्या कर रहा है क्या है, पर सृष्टि का झमेला है, रजगुनी काम है, तो हम कैसे करें ठाकुर जी। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे के ये पूरा वो चतुश्लोकी भागवत का अंतिम में जो ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, वहां लिखा हुआ है, तुम ये हमारा ये जो आदेश है, वो जो हम जो चतुश्लोकी भागवत का प्रवचन दिया ठाकुर जी ब्रह्मा जी को, और बोले एतत् मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना, ये मत हमारा जो सिद्धांत तो है, जो विचार है, भवान कल्प विकल्पेषु न विमर्जते कहिचित, तुम्हारा घबराने का कोई बात नहीं, ये मेरा आशीर्वाद रहा, मैं ये खुल्ला हम खुल्ला एकदम आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा दिल में घबराने वाला कोई बात नहीं। क्यों, जब भी तुम रजगुण का काम है, सृष्टि का काम तो रजगुण का है ही है, लेकिन इसमें भी तुम्हारा कोई समस्या होगा नहीं। भगवान कल्प विकल्पेषु न विमर्जति कहिचित, तुम्हारा जो मोह है जिसमें अज्ञान आ जाता है, ये नहीं आने वाला, मेरा आशीर्वाद रहा, बस खूब करो, तुम्हारा मोह प्राप्त होना संभव नहीं, मैं आशीर्वाद कर दिया। ठाकुर जी भागवत जी महापुराण के रूप में हमारा सामने उतरे, वो बड़ा अहोभाग्य की बात है। जन्मांतर भवेत पुण्यो, जन्मांतर में बहु बहु जन्म सत बहुत सुकृति भक्तिन्मुखी सुकृति, भोगोन्मुखी सुकृति नहीं है, भोगोन्मुखी जो सुकृति है आपको भोग दे के छोड़ देगा, पैसा आदि दे देगा, काला पैसा सादा पैसा दे के छोड़ देगा, मर अब तू मर, काला पैसा का तो हजम नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा कोई कुछ दे तो पहले प्रश्न दे कौन दिया है, कोई कोई फल दिया कुछ दिया, और बोले ले 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 जा, हम लेगा नहीं, बोले महाराज कौन दिया पहले, बोले ये दिया, उसका कमाई कैसा है, उसका कमाई व्हाइट है शुक्ल, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कोई सुना ही नहीं, ये सब चर्चा होता ही नहीं, मठ मंदिर है इसलिए कि इसमें भक्ति विनोद ठाकुर का विचार करो, ये खाओ पियो जी ऐसा नहीं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बात कर प्रेशर दिया, स्पेशल पॉइंट भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, जे संत महात्मा लोग शुक्ल वृत्ति जो कमाता है गृहस्थी आदमी व कोई, वो आएगा उसी पैसा से थोड़ा बहुत भोग लगाओगे वो खाओगे, हम कुत्ता का मापिक रोटी का टुकड़ा ठाकुर जी का लेने वाला है, हम किसी का पैसा का खाने वाला नहीं, कोई अगर देगा मोटा रकम ले जाओ महाराज, तुम रखो अपना पैसा अपना पास, हमारा कोई दरकार नहीं है। पहला बात तो ये है, गौड़ीय सिद्धांत के मुताबिक, प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर का विचार के मुताबिक, अगर हम भक्ति का रास्ता पे चलना शुरू कर दे तो वेरी शॉर्टली आई कैन गेट रिजल्ट, हैवॉक रिजल्ट, बहुत जल्दी हमें इतना सुंदर रिजल्ट मिले हमको कि पूछो मत, क्योंकि मिलता नहीं, किसी को मिलता नहीं, वो बोलते महाराज इतना दिन से भजन कर रहा है पावर नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लगेगा कैसे, दोस्त तो तुम्हारा है, तुम अपराध कर रहे हो दिन रात, कितना अपराध हो रहा है दिन रात, ये अपराध का बारे में ज्ञान ही नहीं है, अपराध को हटाओ, निश्चिद्र करो, भजन को फ्लॉलेस करो, उसमें कोई भूल ना रहे, गुरु वैष्णव का सिद्धांत तो आचरण चरित्र स्वभाव को देखो, नकली मत करो। और गुरु जी प्रवचन किया, हम भी बैठेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर दूध पान करते थे, सारा दिन में भोजन बहुत थोड़ा सा, दो तीन बार दूध लेते थे,
कोई अगर बोले कि भक्तिविनोद ठाकुर तीन बार दूध देते थे, हम भी दूध पान करेंगे, अब करके नकली शुरू कर दे गया उसका। ये नकली करने का बात नहीं है, गुरु वैष्णव का जो गंभीर चित्र है उसमें प्रविष्ट होना मुश्किल है, संभव नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने यह बात पर जोर दिए कि आप लोग शुक्ल वृत्ति के द्वारा जो अर्जित, उसमें थोड़ा काम करो, इस सेवा में ठाकुर जी का लगा दो, और तुम्हारा जो कलेक्शन है उसमें अगर रजतम गुण का स्पर्श है, करोड़ों जन्म में भजन कर कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा सामने जो है तुमको कीपा है, तो सब कोई नहीं बोलता है सब बात। तुम जो कलेक्शन करके लाते हो उसमें अगर रजतम गुण का प्रभाव है, बीट श्योर नेवर यू कैन डू भजन, तुम्हारा भजन नहीं होने वाला। सामान्य बात है, हम गौड़ीय दर्शन विचार करने बैठे हैं, भागवत तो है ही है सामने। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारा जो छोटा हरिदास की माधवी देवी दासी, सारे तीन काउंट करो तो सारे तीन नंबर पे माधवी देवी दासी का नाम आती है। विद्या तपस्विनी, इतना बड़ा भारी भजन करने वाली, जरा सा भी उसका दिल में कोई गलती नहीं है। चेतो दर्पण मार्जन करो, यही तो चेतो, साबुन से क्या मार्जन करोगे, दिल में तो काला है। चेतो दर्पण को मार्जन करो संकीर्तन के द्वारा, प्रभावशाली गुरु वैष्णव का प्रवचन के द्वारा अपने हृदय को मांजन करो, अब देखोगे कितना सुंदर फल मिलेगा। छोटा हरिदास कुछ नहीं किया, वे सिर्फ जाके माधवी देवी दासी जी का कास पहुंचे और एक मान तंडुल अरवाचाल, चावल जो है ना अरवाचाल, तंडुल लेके आए। वाह उत्कृष्ट, इतना फाइन मत पूछो। और वो चाल को गदाधर पंडित जी ने भोग लगाए, भोग लगाने का बाद वो प्रसाद बांटने का समय हो गया, उस समय चैतन्य महाप्रभु आ गया। चैतन्य महाप्रभु का आने का टाइम नहीं था, गदाधर पंडित दर क्या है कि नित्यानंद प्रभु बांट के पाएंगे प्रसाद। इतने में गौरंग महाप्रभु आ गए, बोले क्या कर रहे हो आपस में, हमको भी तो दोगे है जो है। बोले और रुसी करें, नहीं 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 नहीं, जो है उसी को बंटवारा करो और हम पालेंगे एक साथ। पालिया प्रसाद, अपाने का बाद फिर बोले इतना सुंदर चावल है कहाँ से लाए। बोले माधवी देवी दासी जो है उधर से मंगाया। कौन लेके आया ये चाल, मांगने गया कौन? बोले छोटा हरिदास। ठीक है, अब फिर घर में गया, गंभीरा मंदिर का अंदर, गंभीरा का प्रकोष्ठ में गए और गोविंद को बोले गोविंद इधर आ। क्या हुआ था प्रभु जी? बोले आज से छोटा हरिदास को इधर घुसने नहीं देना। अरे क्यों? छोटा हरिदास को इधर बिल्कुल घुसने नहीं देना। घबरा गया गोविंद, हिम्मत नहीं है कि पूछे किस लिए, कारण क्या है। ये बात फैल गया चारों ओर, छोटा हरिदास को महाप्रभु ने मना कर दिया, दरवाजा बंद है उसका लिए। भक्तों लोग रो पड़ा, अरे छोटा हरिदास इतना सुंदर है, बड़ा भक्त है सारे। आज छोटा हरिदास रोते रोते भोजन बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया और पड़ा रहा दुख के मारे। और भक्तों लोग आगे महाप्रभु का सामने प्रार्थना, प्रभु जी छोटा हरिदास का क्या कसूर है मत पूछो हमारा सामने, जाओ अपना अपना काम करो। एक एक करके भगा दिया। बाद में जब सार्वभौम भट्टाचार्य जो आदि बड़ा गंभीर व्यक्तित्व, अद्वैत गोसाई आदि ये सब पूछने के लिए आए, तो उसके बाद महाप्रभु जी ने बताया कि आप लोग अगर ऐसा प्रार्थना करो तो ऐसा करो, हम चले जा रहे हैं, आप लोग रहो इधर। नहीं नहीं नहीं, आप रहो, आप नहीं बोलेंगे।
प्रभु कहे मोर मन नहे मोर बॉस, हमारा मन हमारा बस में नहीं है। स्त्री संवासी कामिनी कांचन को भोगने वाला चाहे ओपनली चाहे सीक्रेटली कुछ भी करो, इट इज क्लियर टू गुरु वैष्णव। गुरु वैष्णव का हृदय इतना साफा है, तुम कुछ भी करोगे उसको हृदय में रिफ्लेक्शन आ जाता है, वो समझ जाता है वो ऐसा है, उसको बचाने के लिए कोशिश करता है। और है तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी ने छोटा हरिदास को क्षमा नहीं की, ये बात को ध्यान से सुनो, उसका बाद भागवत सुनोगे। भागवत सुनने का पहले जो प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन है, प्रस्तुति है, ये अगर ना होए तो हम गप गप बोलने के लिए बैठे नहीं, कोई कीर्तन करे नचावे, ये सब वेश्यावृत्ति है सारे, ऐसा कीर्तन करो मैया लोग नाचना शुरू कर दे, ये होता है अलग अलग सोसाइटी में। हम बोला तुम वेश्यावृत्ति करने के लिए बैठो, बोलो परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का प्रवचन बोलो, परम पूज्य बामन गोस्वामी महाराज का बोलो, प्रभुपाद का बात बोलो, तब तो हम समझे कि तुम्हारा हिम्मत है, तुम किस करने किस चीज के लिए आए हो भजन में। कमाई नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारा जिंदगी में, और तुम आए साधु बनने के लिए, खाना पीना चलेगा, सम्मान मिलेगा, माला मिलेगा, बड़ा मुश्किल बात। तो पहला बात यह है, अगर हम अपना जिंदगी को सही रास्ता पे ना चलाए तो भागवत सुन के भी कोई फायदा नहीं। भागवत सुनने के लिए तो बैठते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या की, परीक्षित महाराज जी को सुनाए, परीक्षित महाराज जी को सुनाए, परीक्षित महाराज जी को सुनाए भागवत कथा, और वो भागवत कथा आज हमारा सामने अमृत रूप, अमृत रूप पकड़कर हमारे सामने उपस्थित भए। और अगर सौभाग्य है, क्यों बार बार ये बात बोल रहे हैं क्यों, बोले कारण ये है, पहले पहले जन्म में अगर भक्तिमुखी सुकृति, भोगोन्मुखी सुकृति आपको भोग राग दे के बस समाप्त हो जाएगा, आपको भोग दे देगा, पैसा दे देगा, वैभव दे देगा, लेकिन जो सुकृति है भक्तिन्मुखी सुकृति, वो तो आपको भक्ति उन्मुखी सुकृति आपको भक्ति देने के लिए व्यवस्था कर दे। भक्तिन्मुखी सुकृति के द्वारा आप भजन राज्य में प्रविष्ट हो सको, और बहु जन्म हो जाए ये सब सुकृति एकुमुलेटेड अर्थात पूंजीभूत होते होते जब बांपर अवस्था आ जाए, तब तो आपका साथ कोई सच्चा संतों का देखा हो जाएगा, उसका मुखारविंद से सच्चा प्रवचन सुनने को बोला, आउट ऑफ हिज ओन फीलिंग, अनुभव के द्वारा, उसका भजन के द्वारा जो अनुभव, डायरेक्ट अनुभव, काल भी बताया था, एक छोटा सा किताब महाराज वेदांतो तत्व मंजूरी की, वेदांतो सार, इतना पतला सा ग्रंथ पढ़ने का बाद वो संतों को ऊपर वेदांतों का पूरा वेदांतों का कृपा हो गया, कैसे हुआ, छोटा सा वेदांतों का एक तो ट्रियाटाइज छोटा सा बुकलेट, उसको पाठ करने के बाद वेदांतों का पूरा कृपा उसका, हाँ वेदांतों का वेदांतो इच्छा वेदांतो सराट, वेदांत मतलब भगवान स्वयं, वेदांतों का इच्छा हुआ इसको कृपा कर दे, चाहे विद्वान नहीं है कम विद्वान है दे दे इसको, तो छोटा सा किताब पढ़ के वेदांतों का कृपा, वेदांतों का कृपा होगा, वेदांतों का जो वास्तव अर्थ है टोटल वेदांतों, समग्र वेदांतों का चार पार्ट जो पाठ करने का बाद व्हाट इज द कंक्लूजन, उसमें क्या कंक्लूजन आता है, वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य, दैट इज द कंक्लूजन, समाम वेदांतों पाठ करने का बाद व्हाट इज द कंक्लूजन, उसमें क्या निर्णय आएगा, ठाकुर जी ने स्वयं बताया गीता में, वेदश्य सर्वैरहमेव वेद्य, सर्ववेद पाठ करने का बाद अगर हमारा स्वरूप दर्शन नहीं हो तो तुम्हारा वेदांत पाठ बेकार हुआ, जाओ तुम वेदांत पाठी, तुम वेदांती हो, जाओ प्रवचन करो, खूब पैसा कमाओ, जाओ
लेकिन वो छोटा सा वो जो संत है उसका ऊपर वेदांतों का पूरा कृपा हो गया। ऐसे ही श्रीमद भागवत जी महापुराण जी है, जो सच्चा श्रोता है, जो उसका दिल में गुजारा हुआ है जो जो संतों का वाणी। हम महाराज ये वेदांत ये भागवत जी महापुराण को अपना दिल में स्थान देंगे, ठाकुर जी है स्वयं, तो उसका ऊपर कृपा जरूर हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो ये सारे जो है श्रीमद् भागवत जी महापुराण से, भागवत जी महापुराण पढ़ने का बाद अगर भगवत जी महापुराण में ठाकुर जी स्वयं है ऐसा अनुभव नहीं हुआ तो बेकार हुआ, आपका पाठ बेकार हुआ, आपका श्रवण बेकार हुआ। आत्मसमर्पण के बिना श्रवण पद्धति सही ढंग से हो नहीं पाता। इफ देयर इज 100% इंक्लिनेशन, शरणागति अगर परफेक्ट है, सरंग शरणागति हई भी जहार तहार प्रार्थना सुने ब्रजेंद कुमार, तुम्हारा सरंग शरणागति नहीं है तो तुम्हारा प्रार्थना ठाकुर जी सुनेंगे नहीं। तुम कपट हो इसलिए तुम्हारा बारे में हम भी बोलेंगे ठाकुर जी मानेंगे नहीं, वो कपट है। कम से कम वह निष्कपट हो जाए, कम से कम वाणी संतों का वाणी जो आदेश दे रहे उसको पालन के लिए 100% सिंसियर हो जाए, एटलीस्ट सिंसियरिटी शुद्ध भी दे। सिंसियरिटी नहीं है, अच्छे कमजोरी तो है ही है, ठीक है रहने दो, कमजोरी है तो क्या है, कमजोरी तो होगा ही, सब तमाम दुनिया का आदमी है, कमजोरी है, कमजोरी में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान है कपट भाव में, नुकसान है लैक ऑफ योर सिंसियरिटी, तुम्हारा सिंसियरिटी का अभाव, तुमको एक बूंद एक बाल बाल आगे नहीं जाने देंगे, स्टैग्नेंट कंडीशन, स्रोतहीन अवस्था में रह जाओगे जिंदगी भर, और पीछे भी जा सकता कि कोई अपराध किया, संत महात्मा का निंदा किया, संदेह किया, पीछे चले जाओ। तो हमने प्रवचन का पहले एक विनती करे, जो जिस अवस्था में है उस अवस्था को पहले डिटेक्ट करो, इन व्हाट पोजीशन यू आर इन, तुम खुद अभी किस अवस्था में हो, तुम्हारा जो पोजीशन है अब किस अवस्था, ये पोजीशन अगर निर्णय नहीं कर पाओगे तो किस तरफ जाओगे, तुम्हारा पोजीशन निर्णय होना, हम अभी इस पोजीशन में, इस सिटी में, इस जगह, अभी इधर से हम जाना चाहता है कि वृंदावन, अब हम निर्णय ले, हम इधर है कैसे जाएंगे, हम अभी ये शहर में इस मंदिर में इसी अवस्था में है, ठीक है, अब हम वृंदावन जाना चाहते तो वृंदावन कैसे जाए, तो वृंदावन जाने के लिए यही पोजीशन से कैसे कैसे तरीका से हम जाए, सब व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन अपना पोजीशन को पता ना चले हम कौन पोजीशन पे है, तो कुछ तरफ जाओगे, नॉर्थ जाओगे, ईस्ट जाओगे, साउथ ईस्ट जाओगे, कहां जाओगे, फुलिश कौन किस तरफ जाओगे। जैसे एक उदाहरण हमने दिया था, एक हेलीकॉप्टर का पूरा एकदम मशीन खराब हो गया और चल नहीं रहा और धीरे धीरे नीचे गिर रहा पूरा, और हेलीकॉप्टर से जो क्रू है वो पूरा पैराशूट लेके हेलीकॉप्टर छोड़ दिया, बोले उसका साथ मरना क्या है, और छोड़ के घूमते घूमते हवा के द्वारा ठाकुर जी का कृपा एक दीप एक आइसलैंड में आके गिर गया और हेलीकॉप्टर तो गया पानी में। अब उसका बाद उसका हाथ में कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सी जगह पे मैं हूं, ये कौन सी जगह है, ये द्वीप का नाम क्या है, आजू बाजू में कोई कंट्री है कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हाउ आई कैन डिटेक्ट। जब जहाज जहाज चलती है तो उसमें कंपास रहते हैं, प्लेन में भी चार पांच आदमी रहेगा, मशीन भी चार पांच, एक फेलियर हो जाएगा दूसरा चला देगा, दो तीन आदमी, और डायरेक्शन शुड बी परफेक्ट, एक बाल बाल का भी इधर हो जाए तो जाते, एक बाल बाल अगर डायरेक्शन थोड़ा मशीन में उल्टा दिखा दिया तो इधर जाते जाते एक बाल का डिफरेंस, लेकिन वो जाएगा कई हजार किलोमीटर, तो तुम्हारा एक बाल का डिफरेंस हुआ अभी, वो बाल बाल का डिफरेंस अभी जाके ऐसा ऐसा करके घूमते घूमते इट कैन टोटली डिविएट
फ्रॉम द एक्चुअल डिस्टिनेशन। समझा मेरा बात? अभी बाल बाल का डिफरेंस, बाल बाल का डिफरेंस जो है वो घूमते 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 डिफरेंस जो है मैक्सिमम हो जाए और कहाँ चला जाएगा दूसरा जगह। इसलिए गुरु वैष्णवों का साथ सिद्धांत में, आचरण में, चरित्र में, स्वभाव में, सिद्धांत में देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। गुरु जी का साथ सिद्धांत में, विचार में हमारा बाल बाल का भी कोई पार्थक्य नहीं होना चाहिए। स्लाइटेस्ट डिविएशन कैन अल्टीमेटली थ्रो यू अवे फ्रॉम भजन। जरा सा भी पार्थक्य रहे तो आज नहीं तो कल तुमको फेंक देगा भजन से। इसी बात का ही महसूस हुआ मेरा जब हम गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करिया क्यों आर ना करियो मने आशा, तो हम समझे कि इसीलिए बोला प्रभुपाद जी का यह बात था। स्लाइटेस्ट डिविएशन फ्रॉम द ट्रैक ऑफ गुरु जी प्रभुपाद जी का बात है, हमारा नहीं। ऐसा ही सिद्धांत है। तो पहले अपना जो पोजीशन है इसको समझो और उसका बाद भागवत जी महापुराण सुनने बैठो। भागवत जी का जो रस आस्वादन है वो तो हो जाएगा अगर आपका भाव ठीक है, आपका शरणागति ठीक है, आपका सब ठीक है, हो जाएगा। अभी शुरुआत होने जा रहा है श्रीमद भागवत जी महापुराण का 18,000 श्लोक का जो पहला श्लोक, जिस श्लोक को प्रभुपाद जी ने बताए कि संबंध अविद्य प्रयोजन तत्व सब इसमें छुपा हुआ है। संबंध अविद्य प्रयोजन तत्व छुपा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये श्लोक का अंदर, पहला श्लोक का अंदर गायत्री मंत्रों का उच्चारण भी हुआ। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री का मंत्र, गायत्री मत, गायत्री मतलब, गायत्री का क्या मतलब है? गायते त्रायते इति गायत्री। गान करने के, जो गान गाने से मुक्ति हो जाए, त्राण हो जाए, त्राण मतलब मायावादी का मापिक मुक्ति नहीं है, ब्रह्मो ना सेवा प्राप्ति। जो गौड़ीय सिद्धांत में मुक्ति का व्याख्या गौड़ीय समाज जानते हैं, बाकी समाज नहीं जानते। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब जो स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति, मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति, मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम। मुक्ति मतलब कई किस्म का जो कंसेप्शन है उसको छोड़ो, मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति। स्वरूप क्या है? जीवों का स्वरूप क्या है? जीवों का स्वरूप क्या है? जीवों का स्वरूप क्या है? कृष्णदास है, यही स्वरूप है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये स्वरूप है। ये स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ तो काम झमेला खत्म, ये होना मुश्किल है, लेकिन इस हो जाए तो ठीक है। जो गायत्री देवी है, गायत्री है, ब्रह्म गायत्री है, ये गायत्री इसका अंदर छुपा हुआ है गायत्री। अब सुनो ध्यान से, पथ पहला अध्याय का पहला श्लोक श्रीमद भागवत जी महापुराण की जय। जय नृसिंह भगवान जी की जय। यन्मादसो यतो अन्मयादितराश्चार्त सविग्ग सराठ तेने ब्रह्म हृदाज आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो बारिमिदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गः मृषा धान्यासेनो सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि जन्माद्दस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थेषु सविग्ग सराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेयो वारिमिदा यथा विनिमयो तिसर्गः मृषा धान्यासेनो सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने कहते हैं, ये गायत्री, ये जो मंत्र का अर्थ हम दिखाएंगे धीरे धीरे विचार करके। भोपाल जी कहते हैं कि तमाम दुनिया को आह्वान किया, इनवाइटेशन दिया गया,
कौन? वेदव्यास, वेदव्यास बड़ा कृपालु। वेदव्यास नारायण छोड़ के दूसरा कोई है? नारायण तो है वेदव्यास के रूप में। वेदव्यास जी तमाम जगत को इनवाइटेशन निमंत्रण नौता दिया, सब आ जाओ ऐसा करके, सब आओ। इतना बड़ा निमंत्रण है कि आज तक सृष्टि का इतिहास में कभी नहीं हुआ, सबसे बड़ा निमंत्रण है। और निमंत्रण तो हुआ था राष्ट्रीय योगों में, वो पूरा तमाम दुनिया को, चौदह भवन को। हमारा तो लगता है कि चौदह भवन नहीं, तमाम होल कॉस्मिक यूनिवर्स जो है, चौदह भवन तो दूर की बात है, एक तो एक ब्रह्मांड का बात हो गया चौदह भवन, और तमाम कॉस्मिक वर्ल्ड, सौर जगत, जहां तुम्हारा नजर नहीं जा सकता कभी भी, तमाम दुनिया को वेदव्यास आह्वान करते, सब आ जाओ, क्यों क्यों कष्ट भोग रहे हो, आ जाओ। सत्यम परम धीमही, परम सत्य वस्तु, पहले भी हम बता चुके हैं बहुत बार, ये सारे जितना तमाम दुनिया का आदमी है, सारे खंड वस्तु में कंसेंट्रेशन करके अपना जिंदगी को खराब कर रहे हैं, जीवन जिंदगी को गंवा रहे हैं। खंड खंड वस्तु सबका अटेंशन है खंड खंड वस्तु में, अखंड वस्तु में किसी का ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं है। इसका ज्ञान है, इसका ध्यान है इस तरफ पे, तुम्हारी ध्यान है इस तरफ पे, आइसोलेटेड, दे आर ऑल आइसोलेटेड, सब एक एक वस्तु का पर ध्यान देकर बैठे हैं। और एक वस्तु जो बोले मतलब खंड वस्तु, बद्ध जीव जो उसका जो अटेंशन है, एक तुम्हारा हम तो बोला एक खंड वस्तु, लेकिन वो खंड वस्तु भी इन्फिनिटी बाहर हो गया। एक बद्ध जीव हम जो अभी उच्चारण किया, एक एक खंडो खंडो वस्तु में उसका अटेंशन है, वो जो एक खंडो वस्तु बोला वो भी डिवाइड होके एकदम लाखों भाग हो गया। तुम्हारा अटेंशन एक खंडो वस्तु में, हम तो ऐसे फिलोसॉफी दार्शनिक रूप से बोला, लेकिन ये जो तुम्हारा खंडो वस्तु है, तुम्हारा मापिक, वो खंडो वस्तु भी इन्फिनिटी पार्ट हो गए, डिवाइड हो गया। एक पार्ट चला गया तुम्हारा दोस्त का सामने, एक पार्ट चला गया तुम्हारा एडुकेशन में, एक पार्ट चला गया मार्केट में, एक पार्ट चला गया कहाँ कहाँ, हजारों भाग हो गया। तो इसी मन को लेकर भजन करोगे कैसे? इसी बात को तो क्वेश्चन उठाया था ना कृष्ण, इसी बात को उठाया था ना, मनहा दुर्निग्रहम चलम, मन को बस में लाए कंसेंट्रेट करे तो संभव नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण बोला हां, मनहा दुर्निग्रहम चलम, असंशयो महाबाहो मनहा दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यास से न तू कंती वैराग्य चौग्रहते। गुरु वैष्णव का सामने आओ, भागो मत, भागो मत, गुरु वैष्णव का सामने आओ। गुरु वैष्णव के सामने रहने से धीरे धीरे अभ्यास जो करो, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, तुम्हारा जिंदगी में सारे जो जो पागलपंती है सारे चला जाए, जाके कंसेंट्रेट। लेकिन तुम चालाकी करते हो, तुम कपट हो, यू आर ए चीटर, तुम किसका साथ धोखाबाजी करना चाहते हो? गुरु वैष्णव का साथ धोखाबाजी करे तो तुम करोड़ों गुण धोखा खोद खा जाओगे, तुम जानते नहीं हो किसका साथ धोखाबाजी कर रहे हो। गुरु का सामने कितना आदमी करता है, गुरु जी का आसन ले लेंगे, गुरु जी हमको आचार्य बना के जाओ, ये आचार्य बना के जाएंगे गुरु जी? गुरु जी तेरे को कुत्ता बना के जाएंगे, आचार्य बना के नहीं जाएंगे, कुत्ता ही तो हो गया ना, गुरु जी का आसन ले लेंगे तो कुत्ता ही है, हाँ आसन में बैठा देगा। गुरु जी का आसन ले लो, गुरु जी का सम्मान ले लो, गुरु जी का कहाँ कहाँ क्या प्रॉपर्टी है उसको ले लो, पावर सब ले लो, बस हो गया। गुरु जी बोले ठीक है, तेरे को तू हमको धोखा देने के लिए आया है ना, तेरे को ऐसा धोखा दे देंगे जन्म जन्म तेरे को घुमाएंगे, जा ढूंढते रह पागल का माफी। जानते नहीं गुरु वैष्णव कौन चीज है, एक भी झूठा बोले तो उसका जिंदगी सत्यानाश हो जाए, जानते नहीं क्या हो जाएगा परिणाम क्या है।
तो ये जो सत्यम परम धीमही, परम सत्य वस्तु जो है ये, लेकिन अखंड वस्तु है ये परम सत्य वस्तु, जिसका ध्यान के बारे में उपदेश दिया गया अभी, ये जो वस्तु है ये अखंड वस्तु है, नो डाउट। ये अखंड वस्तु परम सत्य वस्तु, इस पर हमारा हमारा नजर जाए, अटेंशन जाए, ध्यान जाए तो हो जाएगा, इसी जन्म में मंगल, परम मंगल, मंगल नहीं परम मंगल हो जाए। और सत्यम परम धीमही, धीमही मतलब बहुवचन है। आज यदि एक वचन यूज होता तो वैष्णव अपना बारे में बोल रहा है सत्यम परम ध्यायेमो, हैं? तो धीमही, आओ हम लोग ये परम सत्य वस्तु को ध्यान कर। अच्छा, परम सत्य वस्तु जो है, ये जो श्लोक बताया गया पहला श्लोक पे, इसका स्वरूप क्या है? बोले इसमें छुपा हुआ है स्वरूप लक्षण तत्व स्वभाव, इसमें छुपा हुआ है। जैसे एक छोटी सी बीज है ना, सृष्टि का रहस्य में यह बात को हम खुलेंगे, एक वटवृक्ष है, ये वटवृक्ष का जो फल है, किसी पंछी ने वो फल को खाए, खाने का बाद विष्ठा तय की, वो विष्ठा किसी मैंने सही जगह पर गिरा, वो विष्ठा से एक जो बूंद है, वो बीज है, वो बीज धीरे धीरे बतास, वायु, सूर्य का रस्सी, हवा, सब वो उसका अनुकूल अनुकूल विधान किया, तो धीरे धीरे वो पेड़ किया, पौधा पे आ गया, और धीरे धीरे वो पौधा चढ़कर बड़ा वृक्ष बन गया। अब 2000 साल हो गया, 2500 साल, 5000 साल, और वृक्षों का कहाँ मूल है, वृक्षों का कहाँ मूल है, वो ओरिजिन ओरिजिनल कहाँ है, कैसे कैसे पता चलेगा? बोटानिकल गार्डन में जाओ गंगा का किनारे, पागल बन जाओगे, कई एकड़ जो मिले के, अरे बाप रे बाप, ओरिजिनल जो वो है, वो जो मूल है वो कहाँ है पता नहीं चलेगा। नैमिष क्षेत्र में है, नैमिष क्षेत्र में ए बट वृक्ष, भारतवर्ष में चार पांच जगह है, हाँ सुंदर। तो जैसे ये एक छोटी सी देखा नहीं जाता, उसी बीच से ये बड़ा वृक्ष का इतना बड़ा जो पॉसिबिलिटी, ये जो वृक्ष का जो पॉसिबिलिटी ये बीच का अंदर छुपे हुए थे, ना यू सी, इतना बड़ा वृक्ष है, पहले कहाँ देखा, कुछ नहीं देखा, ये वृक्ष का जो बीज है इसका अंदर छुपा हुआ था। तमाम सृष्टि का जो बीज है ये भी सूक्ष्म रूप ऐसा छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं चला, इसमें बहुत रहस्य है, बहुत सारे रहस्य। जो लोग साइंस पढ़ा है, बड़ा बड़ा एजुकेशन किया, वो लोगों के सामने बोलने से वो लोग समझता है, बाकी आदमी समझेगा नहीं ज्यादा। हम बोलते हैं जे डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाईसी वाटसा है ना, यही तो विज्ञान का निर्णय है, हाँ, डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी को बढ़ाते चलोगे तो वॉल्यूम कम होते चले, जो गैसिया स्टेट में है उसको कंप्रेस करके लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में वो लिक्विड हो जाएगा, वगैरह ना लिक्विड क्लोरीन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन होता है, ये बड़ा बात नहीं, ठीक तो है ये, लेकिन जब वॉल्यूम कंप्रेस होके होते होते कहाँ तक जाए, अगर हम एक साइंटिफिक बात को बोले, किसी का हिम्मत है तो सोवन कर लो, अब समझ लो, हम बोले देखो जो इफ डेंसिटी टेंस टू इन्फिनिटी, डेंसिटी अगर तुम्हारा इन्फिनिटी का ओर चला दो तो वॉल्यूम क्या हो, वो जीरो, सब एकदम ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, जीरो भी नहीं, जीरो बोलने से तो भूल है, जीरो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इन्फिनिटी स्मॉल होगा ना, वॉल्यूम हमने कम, डेंसिटी इन्फिनिटी का ओर चला दिया और उसका डेंसिटी इन्फिनिटी का हो, डेंसिटी इतना बढ़ गया तो वॉल्यूम कंप्रेस होते होते होते, हम बोला ये जो कॉस्मिक वर्ल्ड, इसको एक बूंद, एक डॉट्स टॉक,
इसमें आ जाएगा। पूरा पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है उसको अगर कंप्रेस का डेंसिटी करते करते एक पॉइंट में ला देंगे। अब बोले कैसे संभव है, हमारा संभव है, विज्ञान का विचार से संभव है। अब वो डॉट्स जो है उसको अगर एक्सपेंशन करे फिर सृष्टि आ जाएगा, है ना, ऐसे ही समझो। तो जन्मादस्यो यतो मतलब ये जन्मादस्यो यतो जो शब्द है, ये शब्द जो है, ये शब्दों जो है ये वेदांतों का शब्द है। भागवत में भी पहले ये जन्मादस्यो यतो इसमें शुरू किया, लेकिन वेदांतों का जो चार पार्ट है, चार खंड है, इसमें भी पहला जो पहला खंड है, पहला खंड का पहला चैप्टर का पहला श्लोक है वेदांत में जन्मादस्यो यतो, बस और कुछ नहीं माने, कुछ नहीं। वेदांत तो ऐसा है, एक एक छोटे छोटे श्लोक, एक एक छोटे छोटे शब्दों का अंदर तमाम अर्थों को, अनुभव को अंदर कर दिया, तमाम इशारा है वेदांतों का। छोटा सा जन्मादस्यो यतो आज मारा कौन समझेगा, क्या समझेगा, हैं? सस्तो जनित्वात्, अरे अरे खुल्ला खुल्ला बताओ तो क्या है इसका माने। बोले बताएगा जो टिप्पणी करे वो बताएगा, और टिप्पणी जो है उसका अंदर माने आएगा, समझ में नहीं आएगा किसी को। शास्त्र जनित्वात् माने क्या हुआ, अरे मुश्किल है। बोलो ना, वेदांतों का स्वरूप जो है इतना गंभीर है, इसीलिए कृपा करके वेदों व्यास जी सोचे कि वेद वेदांत ये तो अमाम तमाम आदमी को समझ में नहीं आएगा, ऐसा करे कि भागवत जी महापुराण का उदय हो गया। वेदो व्यास जी भगवान ठाकुर जी का कृपा से स्वयं प्रकट हो गया। और जन्मादस्यो यतो ये वेदांतों का श्लोक जो है इसमें भी आया जन्मादस्यो यतो, उसका बाद का जो अर्थ है हम बाद में बताएंगे। जन्मादस्यो यतो मतलब जन्मो आदि अस्सो, अस्सो मतलब कशो, ये तो बोले जन्मा जन्मो आदि अस्सो, अस्सो मतलब विश्वस्य, जन्मादस्यो जन्मो आदि अस्सो यतो जिसके द्वारा अन्मय अन्मय अन्मयादि इतोरा इतोरा शर्थिसु सविज्ञ सराटो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अन्वय व्यतिरिकाभ्याम यत्सात सर्वोत्त सर्वदा, चतुश्लोकी में आता है। अन्याय व्यतिरिकाभ्याम यत्सात सर्वोत्त सर्वदा, जहां कहां भी जाओ, किसी वस्तु को देखो, कुछ भी चिंता करो, सारे वस्तु में भगवान का सत्ता है। एक ऐसा भी पार्टिकल नहीं है दुनिया का, धूलिकन, जिसमें भगवान का अस्तित्व नहीं है। एक मिसाल दे दे तो अच्छा लगे, पानी का डब्बा लाया और पानी का अंदर हमने क्या रामरस डाल दिया और डाल के रामरस को घोल दिया। ये उदाहरण है जग्गवल को, जग्गवल को ऋषि का नाम सुना, याज्ञवल्क ऋषि जी ने दो लड़का को ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए भेजा गुरु गृह में, ये तो पिता है, भेजा दूसरा ऋषि के पास। और ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के बाद वो दो लड़का वापस आया घर और पिताजी को दंडवत किए और पिताजी दंडवत आशीर्वाद करके बैठाया, और बड़े लड़का छोटे लड़का, बड़े लड़का को जरे ब्रह्म विद्या प्राप्त करके आया है, कुछ समझ में आया ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म वस्तु क्या है। हाँ हाँ खूब समझ में आया, गुरुजी समझाया और थोड़ा बोल तो, हाँ बड़ा लेक्चर देना शुरू कर, ऐसा 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 ऐसा। जगवल को से एक फटकार दिया, चुप हो जा, बंद कर बकबस। पिताजी का एकदम फटका दिया, क्या हुआ, क्या गलती हो गया, बस तू ब्रह्म विद्या क्या है बूंद भी समझा नहीं, पागल है तू, ब्रह्म विद्या क्या है तू समझा नहीं, बैठ जा चुपचाप। छोटे को पूछा, बेटा तू क्या समझा ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म वस्तु। और छोटे लड़का पिताजी का चरण पे देखा और माथा नीचू कर दिया, पिताजी का चरण में देखा, आंखें बड़ा बड़ा किया, पिता हाथ जोड़ा और फिर माथा नीचू कर दिया, दो चार बार ऐसे किया। पिताजी आशीर्वाद करके बोला, हाँ बेटा तू समझा ब्रह्म वस्तु क्या है।
ब्रह्म वस्तु ऐसा वस्तु है जो अनुभव में उतारे तो यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, यू स्पीचलेस हो जाओगे, बाक सुन्न हो जाओगे। ब्रह्म वस्तु ऐसा है, तेरा ही समझ में आया ब्रह्म वस्तु क्या है, ब्रह्म वस्तु क्या है तेरा ही समझ में आया। फिर पिताजी ने जगबोल को ने एक काम कर, एक पात्र में थोड़ा पानी लेके आ, पानी लेके आया उसमें थोड़ा शक्कर जो है वो जो उसमें लगा दिया, घोल दिया, और बड़े लड़का जो जो बड़ा लेक्चर दे रहा था, यहाँ शक्कर घोला, बोला हाँ घोल दिया, अब कहाँ गया शक्कर, ला हम कहाँ से लाए, शक्कर तो पानी में घोल गया, इसका अंदाज लाना संभव नहीं, लाना संभव नहीं, तो कहाँ गया। हमारा साइंटिस्ट लोग बोलता है नून इस रामरस यार शक्कर कुछ भी हो पानी में घोल दो तो वो कहाँ जाता है, बोले इंटर मोलिकुलर स्पेस जो है उसमें घुस जाता है, सब अंदर अंदर चला गया, अब लाना संभव नहीं। तो जगबल को जी ने बोला हाँ हाँ, तो समझो ब्रह्म वस्तु ऐसा ही है, जैसे ये शक्कर को घोल दिया या रामरस को घोल दिया सारे एकदम अंदर में चला गया दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ब्रह्म वस्तु जो है तमाम दुनिया में व्यापक रूप हर वस्तु में अनुप्रविष्ट, प्रविष्टान्न प्रविष्ट यीशु चतुश्लोकी भागवत में हम व्याख्या करेंगे, सारे तमाम वस्तुओं में प्रविष्ट होकर, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जहां ब्रह्म ब्रह्म नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी को जब पूछा गया, एक बड़ा बड़ा बात कहता लंबा चौड़ा भाषण, चुप कहां तेरा भगवान है, दिखा भगवान कहां है। प्रहलाद महाराज जी टेंशन फ्री, ही वाज द स्मार्टेस्ट यंग मैन, इतना स्मार्ट है, स्मार्टनेस का हम व्याख्या करते हैं, यंग लड़का लड़की जो शर्म के मारे भाग जाते हैं तुम स्मार्ट हो न, स्मार्ट प्रहलाद महाराज है, स्मार्ट है एक संत महात्मा जो दुनिया से किसी से डरता नहीं, वही तो स्मार्ट, और तुम जो स्मार्टनेस दिखाते हो इट कपटी, तुम दिखाते हो बाहर एक्सपोज करते हो, अंदर में तुम्हारा डर है, स्मार्टनेस नहीं, स्मार्टनेस में स्टेटनेस, तुम्हारा अंतर और बाहर अगर समान हो जाए दुनिया का किसी वस्तु को डरो नहीं, भगवान से प्यार रखो तब तुम स्मार्ट बनोगे, न तो दुनिया में कभी तुम स्मार्ट नहीं बनोगे, बिच्छू बन के रह जाओगे, चालाकी करोगे। तो प्रहलाद महाराज जी स्मार्टली बोला पिताजी को, हर वस्तु में भगवान है, हाँ हर वस्तु में भगवान है, हर वस्तु में है, हर वस्तु में भगवान है, एक खम्मा में है, खम्मा में भी है, पूरा चुपचाप कोई टेंशन नहीं, चुपचाप बोले खम्मा में भी है, खम्मा में है, अच्छा ठीक है। खम्बा को एक मक्का लगाया, खम्बा चूर चूर हो गया, और अंदर से निशिंग भगवान निकाल आया, हा 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 करते निशिंग, सत्यम विधातुम निजवित्त भाषितम, अपना जो नौकर है अपना जो सेवक है इसका जो प्रवचन है, हाँ ये खम्बा में भी है, सत्यम विधातुम निजवित्त भाषितम, अपना जो वृत्त है अपना जो सेवक है जो प्रवचन दिया है ये खंभा में भी है, उसको साबित करने के लिए प्रमाण करने के लिए खंभा से भी भगवान पकड़े, तो कहां नहीं भगवान है, हर वस्तु में है, दिखाई नहीं पड़ता। तो यहां जन्म यन्मादसो यतो अन्मयादि स्वार्थ सविश अर्थेशु सविघ स्वराटो, इसमें अन्वय व्यतिरिक अन्वय और व्यतिरिक रूप से ठाकुर जी सृष्टि का बारे में जो विषय है, जन्म आदि अश्व सृष्टि विश्वस्व जिनके द्वारा हैं हैं अन्वयाद इतराश्वार्थेशु सविज्ञ स्वराट, जो तमाम दुनिया में सविज्ञ जो अपना ज्ञान में ही स्वतः संपूर्ण है, किसी को ज्ञान देने का कोई जरूरत है नहीं। स्वराट किसको बोलता है, स्वराट मतलब जो किसी का एडवाइस देने के ऊपर डिपेंड कर नहीं करता, जिसका ज्ञान है स्वतः सिद्ध है, समझा नहीं मेरा बात, स्वराट मतलब जो किसी का हुकूमत पर चलेगा नहीं,
He is not controlled by anybody. He can do anything. He can speak anything. ये है अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है, शब्दों का स्वरूप ऐसा है जो पूरा क्लियर नहीं होता। सराट मतलब वो किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी करे। लेकिन भागवत में आएगा आगे चलकर अहम भक्त पराधीनो। अब बोले अभी बोला सराट है, अभी बोलते हो अहम भक्त पराधीनो, ये तो बोल रहा है उल्टा बोल रहा है आप। नहीं, इसमें कोई उल्टापन नहीं है। हम व्याख्या करके दिखा देंगे जो सराट वस्तु है उसका सराटत्व, इसका जो ऑलमाइटीशिप, इसका जो सराटत्व, ये नाश नहीं होता। ये तो प्रेम के मारे भक्तों का बस में आ जाता है। प्रेम के मारे सुरेश दिनेश गणेश हाल धरे पार न पाए। सुरेश मतलब इंद्र, सुरेश दिनेश गणेश हाल धरे पर पार न पाए। और जिसको गोकुल में माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा। एक माखन का जो विषय है, कितना माखन चाहिए गोपाल को बोलो तो? लेकिन ब्रज गोपी का माखन ही चाहिए, तुम्हारा माखन नहीं चाहिए। एक छोटा सा टुकड़ी माखन के लिए अपने को दे दिया और नाचना शुरू कर दिया। है नाच तब तो माखन देंगे, लड्डू देंगे और नाचना शुरू कर। तेरा ही माखन खाए गोपी, गोपी हम तेरा ही माखन खाए। दूसरे हमारा जगत बहुत चीज दे हम खाए हैं लेंगे नहीं। तो सुरेश दिनेश गणेश हाल धरे पर पार ना पाए। कैसे पार पाए? हरि अनंत हरि रूप अनंत इन्फिनिटी। हरि अनंत है, हरि का स्वरूप भी अनंत है। कैसे कोई भावे, भावना कैसे करे? भावना करने जाओ तो, भावना करने जाओ तो फिनाइट कंसेप्शन आ जाएगा ना। है मैया का कोप में बच्चा है, बच्चा अगर बोले मैया को हम देख लेंगे, कैसे संभव है? बच्चा तो मैया के कोप में है, अंदर है, अभी जन्म नहीं हुआ है। ऐसे ठाकुर जी का अंदर अंदर अनंत ब्रह्मांड है। और बोले ठाकुर जी को हम नॉलेज के द्वारा जान लेंगे, अब हम नॉलेज गैदर करेंगे, हम ले लेंगे, तो कैसे संभव है? तमाम ज्ञान जहां से आता है वो तुम्हारा टुकड़ा ज्ञान यूज करके उसको जान लोगे? समझा मेरा बात? तमाम ज्ञान का आधार है जो अनंत हरि, अनंत हरि रूप अनंत, वो भगवान जो अनंत ज्ञान के आधार है, वो तुम्हारा छोटा सा ज्ञान के द्वारा भगवान को जान लोगे? हैं, ऐसा संभव है क्या? इसलिए उपनिषद में बोला नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मिधाया न बहु न सूते न जम एव एश वृणीते तेन लभ्य। जिसको ठाकुर जी बोलेंगे हे तेरे को हम दिखाएंगे चखाएंगे, हम कौन है कैसा है, हम कैसा है तेरे को दिखाएंगे, तो ठाकुर जी दिखा देंगे। और तुम अगर चैलेंजिंग मूड लेकर आगे चलोगे, जिंदगी भर अनंत काल चक्कर काटते रहोगे। इसी का ही विषय में ब्रह्मा जी ने बोला ज्ञाने प्रयास मुदवस्स नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनोभीर। ये श्लोक बोला आएगा, हम व्याख्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने बहुत परीक्षा करने का, अरे ये ठाकुर जी है, झूठन खा रहा है, ठाकुर जी हो ही नहीं सकता। बस उसका परीक्षा लेने के लिए इतना व्यवस्था की, लेकिन अंतिम में हार कर रो कर अपना मजबूरी को पेश किया ठाकुर जी के सामने, हमको क्षमा करो, हम जो कर दिया तो अपराध कर दिया, अब तो क्षमा करना है आपको, कृपा करो, अपराध कर दिया। और शरण लिया तो ठाकुर जी के सामने, और बोले आज तक हम कान पकड़ा कभी भी ज्ञान का दारा तुमको जानने का कोशिश नहीं करें, ज्ञानी प्रयासम उदोपास्य हम फेंक देंगे, बस भक्ति, हम तुम्हारा बच्चा है तो कृपा करो तो ठीक है, नहीं तो फेंक दो। तो मैया जैसा मैया का कुक में बच्चा है, इतना मासूम बच्चा, मैया अगर उसको फेंक दे तो बच्चा कहाँ जाए, कहाँ जाए बच्चा? बच्चा को पालन पोषण करके बड़ा करे तब ना बड़ा होके। अब टोटली वो जो मासूम बच्चा मैया को डिपेंडेंस है पूरा, माँ अगर फेंक दे खा, पिलाए तो पिलाए, खिलाए तो खिलाए, सुलाए तो सुलाए, बस ऐसा ऐसा खेलते रहता है, उसका कोई अपना चिंता नहीं।
जब तुम्हारा दिल में ये हालत पैदा हो जाएगा, टोटली इफ यू कैन बिकम टेंशन फ्री, जो कीर्तन में बोला कोई कीर्तन नहीं करता, वास्तव कीर्तन कोई नहीं करता, कीर्तन कीर्तन का अंदर सारे है, कीर्तन का अध्ययन है ना, कीर्तन का अंदर दुखो दूरे गए लो है चिंता ना रोही लो चौधरी का आनंद है, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईन परम सुखी, बंगला में सब बंगला जानते हैं थोड़ा बहुत, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी, इसका नाम आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन 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 कर दिया गुरुचरण में, फिर भी मैं टेंशन में हूं, वहां जाएगा कौन हमको थोड़ा दूध देगा, कौन फल देगा, मटवाले देगा कि नहीं, रे छोड़ो ये गोली मारो, हम तो किसी का भरोसा नहीं करते, ठाकुर जी भेज देंगे हैं, कहां से लाए, ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी समझेंगे कौन कौन खिलाना क्या चीज नहीं खिलाना, वो ठाकुर जी का जुमा है। आत्मनिवेदन करके मैं ठाकुर जी के बारे में चिंता, कभी पारण करे ग्रंथों का, कभी परिक्रमा करे मार्स में, कुछ भी करे और चिंतन करते रहो, अष्टजाम पाठ भी होता है, 8 बार करना पड़ता है, गुरुवर का आदेश था, जो भी है ऐसे तो लायक नहीं हूं मैं, परम विवेक केशव कुसुमा बोला देखो अष्टजाम कीर्तन का लायक बनोगे कब, जब हरि कीर्तन में अनर्गल निरलस प्रयास तुम्हारा जिंदगी में प्रकाशित होगा, जब गुरुवर्ग देखता है इसका अंदर में हर वक्त, कभी भी बोलो रात 2 बजे बोलो महाराज कुछ कथा सुनाओ, वो रात 2 बजे शुरू कर देगा, कभी भी बोलो, एक संतों को परीक्षा करके देखना जो कीर्तन में प्रतिष्ठित है, रात को 2 बजे बोलोगे महाराज कुछ सुनाओ, वो रात 2 बजे शुरू कर देगा, उसका कोई कलाकाल नहीं है, कभी भी बोलो संकीर्तन शुरू कर देगा, दो ऐसा संकीर्तन में डूबा हुआ है, इसका लिए ही जाम कीर्तन का व्यवस्था है। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज स्ट्रांग रेगुलेशन कर दिया, बिल्कुल मत करो जाम कीर्तन, पहले संकीर्तन में तुम्हारा दिल लग जाए, फिर ठाकुर जी का स्वरूप पकड़ित हो, उसका बाद वृंदावन का लीला आदि चिंता करोगे, नॉट नाउ, अभी नहीं, अभी करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसी बात को मैं पंजाब में बोला था, भाटिंडा बोल के आए हल्ला मच गया, हमारा पीछे सब चला गया, महाराज जी हमारा गुरु जी का खिलाफ बोल रहा है, हमने तो सच्चाई को पेश कर दिया, बस हल्ला मच गया, गुरु जी हमारा गुरु जी का खिलाफ है, हम बोला कुछ भी कर जिंदगी में और इधर आएगा ही नहीं, लेकिन यही बात हम बोलेंगे, चाहे तो लोग हथवाली लगे तलिया लगा दे और कुछ भी करे, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सच्चा सुन के रहे, कुछ भी करे, वृंदा देवी को मां बोलने से मैया बोलने से तेरा गौड़िया मठ का भजन कैसे होगा, यही हम बताया, बस हल्ला मच गया, ग्रुप हो गया पूरा, वृंदा देवी को मैया बोलो, राधा देवी को मैया बोलो, तुम कैसे भजन करोगे, राधा गोविंद का लीला शरण करोगे, मां माता पिता का कोई लीला शरण करोगे, इतना कॉमन सेंस नहीं है, फुलिश, इतना मिनिमम कॉमन सेंस नहीं है, इसी बात को लेकर एजिटेशन चल रहा है, आज भी 4 साल हो गया एजिटेशन चल रहा है, कर कुछ भी कर, हमारा कोई डर नहीं है, हम सच्चा बोलने के लिए बैठे, चाहे एक आदमी मिले तो उसका सामने हम सच्चा बोलेंगे, हिम्मत चाहिए सच्चाई को, सच्चा सच्चा सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, अगर हिम्मत नहीं है तो सच्चा से सच्चा जहां कीर्तन होगा वहां से भागोगे तुम, तो यहां जो है ये बात स्पष्ट करे कि जन्मों आदि जिसके द्वारा अन्य व्यतिरिक रूप से हो रहा है तमाम दुनिया में, आज जो सराट है, सराट वस्तु है भगवान, किसी का ऊपर डिपेंड नहीं है, अतेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे, जिसके द्वारा तेने तेने माना जिसके द्वारा, तृतीया कारक में तृतीया विभक्ति हुआ, तेने जिसके द्वारा ब्रह्म हृदय या आदि कवय मुझंती जत सुर, आज जो ये तत्व वस्तु को, जो ये तत्व वस्तु को ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकटित कर दिया, जब भी ब्रह्मा जी का कोई पावर नहीं था, ब्रह्मा जी का पहले कोई पावर नहीं था, ब्रह्मा जी का हृदय में संतुष्ट होकर ठाकुर जी कृपा कर दिया, तेने ब्रह्म हृदय
जो आदि कवि मुझंती यद सुरोय, ये तत्व वस्तु को दान कर दिया, अपना स्वरूप को प्रकट कर दिया, धाम को दिखाया, दे के मेरा धाम है वैकुंठ समाम गोलोक धाम को। जब ही ब्रह्मो संगीता प्रकट हो गया, ब्रह्मो संगीता हमारा हाथ में कैसे आए, कैसे ब्रह्मो संगीता कैसे आए, ये तो ब्रह्मा जी जो देखा ठाकुर जी कृपा करके धाम दिखाया हमारा धाम। जब आन हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कहा तथैव विज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रह, हमारा कृपा के द्वारा तू देख ले, देख मेरा धाम, देख ये वृंदावन धाम है, वृंदावन का स्वरूप देख ले, सब देखा। अतः ब्रह्मा जी देखने का बाद मशगूल हो गया, पागल हो गया, फिर वो ब्रह्म संगीता का रचना किया। ब्रह्म संगीता ब्रह्मा जी का साक्षात देखा हुआ चीज है, जो देखे जो तत्व को अनुभव किए उसी को ब्रह्म संगीता के रूप में उपस्थित कर दिया। तो ये जो है ब्रह्मा जी का हृदय में जो तत्व को प्रकाशित कर दिया, जिसको भगवान बोलेंगे कि हमारा है, अपनाएगा ठाकुर जी जिसको अपनाएगा, उसका हृदय में ही तत्व ज्ञान प्रकटित होना संभव है, बाकी आम आदमी के लिए संभव है, संभव नहीं है। और यहां जो है तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवये मुझंति यत सुरयो, और सुरयो सुरयो बहुवचन है, सूर ये शब्द है जिसको पता है, सूर शब्द मतलब देवता, सूर शब्द को मतलब सूर असुर दो शब्द है ना, एक सूर है दूसरा शब्द है असुर, सिनोनिम एंटोनिम आता ना, ये सूर है देवता उसका ऑपोजिट असुर। इसका व्याख्या क्या है, इसका व्याख्या शास्त्र में आता है विष्णु भक्तो, इसका व्याख्या है सूर असुर कैसे पहचाना जाएगा, सूर असुर कैसे पहचाना जाएगा, बोले विष्णु भक्तो भवे दैवो असुरस्तद विपर्यय हो, ये श्लोक याद रहेगा, विष्णु भक्तो भवे दैवो असुरस्तद विपर्यय, अर्थात विष्णु भक्तो जो है वही सूर है देवता लोग, विष्णु में आस्था रखने वाला, विष्णु में विश्वास रखने वाला, भक्ति रखने वाला वो देवता है, अर्थात विपर्यय विश्वास नहीं है, संशय गुरु वैष्णव में भगवान में वो असुर है, चाहे कैसा भी रूप में रहे जैसा भी रूप में रहे तो असुर तो है ही है वो। तो विष्णु भक्त हवे दैव असुर अस्तद विपर्यय, असुर असुर ये जो दो शब्दों है इसमें ये जो सुर बताया इसके द्वारा आपका हृदय में ये अर्थ बैठेगा कि महाराज देवता लोग के बारे में बैठा है। लेकिन टीकाकारों ने बताया ना इतना छोटा सा व्याख्या नहीं है, मुझंत यद सुरयो हो सिर्फ देवता लोगों के बारे में नहीं बताया गया, बोले तो फिर क्या क्या माने होगा, बोले ये जो मुझंत यद सुरयो इसमें व्याख्या किया गया, प्रभुपाद जी ने इसको पर बहुत सारे टिप्पणी दिए, चक्रवर्ती पाद सीधा साई पाद, बोले ये जो सुरयो इधर बताया इसके द्वारा ये माने रखता है कि दिव्य सूरी ऊपर ऊपर लोगों में जो नजर में आता है नहीं आता है जितना दिव्य सूरी है, दिव्य सूरी मतलब ऋषि मुनि भी आता है इसका अंदर में, दिव्य सूरी जो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में वचन आता है ना, ऋग्वेद में प्रवचन आता है ना, तद विष्णुम परमम पदम, तद विष्णुम परमम पदम सदा पश्वंती सूर्यो दिव्यो चक्षुरातम, आंखें फार फार कर जो मुनि ऋषियों ने दिव्य सूर्यों ने जिस विष्णु चरण का नित्य सौंदर्य को दक्षण दर्शन करते रहते अनुक्षण एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विष्णु चरण का दर्शन जो है वो दिव्य सूरी महात्मा लोग जो भजन किए हुए दिव्य सूरी जो है हर वक्त विष्णु चरण, विष्णु चरण जो है विष्णु चरण तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्यो च, यहां सूरयो माने आया अर्थात दिव्य सूरी, वेद में वेद का ये बात है। तो दिव्य सूरी गण बड़ा बड़ा विचार करने वाला बड़ा अनुभव वाला जो पहुंचा हुआ संत महात्मा है ऋषि मणियों ने, वो हर वक्त ये किसी भी ऐसा समय नहीं है जो इन लोगों का नजर का सामने से विष्णु चरण का सौंदर्य दफा हो गया, ऐसा नहीं,
कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप दर्शन। मेरा बात समझाने, ये जो विष्णु दर्शन क्रिया है, ये दर्शन क्रिया में कोई छेद नहीं है, अनइंटरप्टेड दर्शन। मेरा बात समझा। गिरिराज जी में जाओ, तुम्हारा इच्छा है तो पल भर 24 घंटा दर्शन करो, कोई पर्दा नहीं लगता। बाकी मंदिर में जाओ तो पर्दा लग जाए, लेकिन गिरिराज बोले हमारा इधर पर्दा नहीं लगेगा, चाहे रात 2 बजे तू भूख लगा दे, कुछ भी करे, बिना पर्दा हम रह जाएंगे। पड़ा जगतवासी को कृपा करने के, रात 2 बजे 3 बजे। और जगन्नाथ जी तो फिर भी जगन्नाथ जी का रेस्ट्रिक्शन है, जगन्नाथ जी फिर है थोड़ा समय के लिए पर्दा तो आता है, लेकिन गिरिराज जी का पर्दा तो जिंदगी में आया ही नहीं, ऐसा कृपा। फिर भी दुनिया का आदमी कृपा ले नहीं सकता, क्योंकि क्षमता नहीं, ऐसा भाव है। तो ये जो दर्शन क्रिया है, ये थोड़ा ये पॉइंट को, ये विचार को हम साफा करें, थोड़ा क्लियर करें कि दर्शन क्रिया दर्शनीय वस्तु, ध्यान से सुनो, दर्शन का वस्तु क्या है? विष्णु चरण, ठीक है। दर्शन का विष्णु, विष्णु दर्शन का वस्तु विष्णु चरण है। दर्शन कौन करे? दिव्य सूरी, ठीक है। और दर्शन क्रिया, दर्शन क्रिया तो एक तो एक तो ये तो क्रिया है, व्याकरण में तो क्रिया आएगा दर्शन क्रिया, पश्यती पश्यसी पश्यामी सब आता है ना, एक एक लिंगों के अनुसार भाग हो जाएगा। तो ये पश्यो, जो पश माने देखा, देखने का जो ये जो विषय है पश्यती, ये जो दर्शन करने का जो विषय है, ये भी नित्य है। मेरा बात समझा नहीं? जो दर्शन का वस्तु है, जो दर्शन करेगा, दर्शन क्रिया, तीनों एक लेवल पे है। मेरा बात समझ में आया? तीनों एक लेवल, सेम लेवल। कौन दर्शन करे? दिव्य सूरी महात्मा लोग। किसका दर्शन करे? विष्णु चरण या तो कृष्ण चरण, एक ही है दर्शन करे। और दर्शन क्रिया नॉन स्टॉप, समझा मेरा बात, एक प्लेटफॉर्म में है। जब तक ये तीनों एक प्लेटफॉर्म में ना जाए, तो तुम में कुछ किछ लटपट है, कुछ गड़बड़ी है तुम्हारा अंदर। जब तक तीन क्रिया, तीन विषय एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पर ना जाए, तब तक ये क्रिया में नित्यता अर्थात परपेचुअलिटी, हाँ, अनंत काल जो सेम, वो नहीं रहेगा। संत महात्मा तो जन्म लेते हैं, आविर्भाव होता है उसका और चले जाते हैं, लेकिन वो दर्शन क्रिया कभी छेद नहीं होता, किसी अवस्था में रहे। तो समझ में थोड़ा आया? यहां आदि आदि कोवि ब्रह्मा जी को, कोवि मतलब आप कोवि का मतलब क्या समझे? कोवि का मतलब आप समझे जो कविता लिखने वाला, नहीं, कोवि का मतलब एक कविता लिखने वाला, तो कोवि तो लिख है ही है, मेटेरियल जगत के ये माने जो कविता लिखते खूब जानते हैं, कविता लिखे तो इधर माने, ये इतना छोटा सा माने नहीं है कोवि। कोवि कोवि का मतलब जो भूत भविष्यत वर्तमान को देख सकता है, परिणाम, वो कोवि है। परिणाम दर्शी जो महात्मा है, जो परिणाम, तुम्हारा परिणाम क्या है वो देख सकता है। व्हाट इज योर फ्यूचर, दे कैन सी, दैट्स व्हाई दे गिव रेस्ट्रिक्शन बिफोर यू, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, हु इज गोइंग टू हियर, हु इज गोइंग टू लिसन मी, आई एम ए फुलिश पर्सनैलिटी, लाइक डॉग आई एम बार्किंग ऑल द टाइम, कुत्ता का मापे भुगते रहते हैं हम, कौन सुनने वाला है मेरा बात? अगर किसी का कानों में जाए तो वो हो गया, उसी जन्म उसका आखिरी जन्म है। तो ये जो ब्रह्मा जी का हृदय में जो कृपा प्रकट कर दिया तत्व ज्ञान को, और जिसके ऐसा महिमा है कि जिसको, जिसका अपार महिमा को कोई भी समझ नहीं पाए, मोह प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी अगर चाहे तो मोह कर देगा, तुमको जाने नहीं देंगे। ठाकुर जी ऐसा मोह फैला, मोह लगा देगा आपका दिल में, तो आपको समझ में नहीं आएगा ठाकुर जी ऐसा है। ठाकुर जी का द्वारा ही होता है, ठाकुर जी का इच्छा नहीं कि आप हमसे चले जाओ दूर, ऐसा नहीं। ठाकुर जी क्या मन, ठाकुर जी का माया, तुम्हारा अगर कपट भाव है तो माया देवी क्या करे, एक पर्दा लगा देगा। प्रभुपाद जी कहते हैं एक उदाहरण, मिसाल सुंदर, बोले महाराज सब बेकार का बात कर रहा है, किसी का अनुभव नहीं है। बोले कैसा? बोले एक पद्म मधु, जानते हो पद्म फूल से जो मधु निकालते,
सबसे टॉप मोस्ट मधु। कभी देखे एक मधु का बूंद इधर दे दे, उसका जो स्मेल है पागल कर देगा। ओरिजिनल पद्म मधु। और पद्म मधु को एक शीशे का डब्बा में रखा गया और खुशबू तो जा रहा है चारों, और मधुमक्खी भाग के आ गया। और भाग के आया और क्या किया, ओ मधुमक्खी वो जो शीशा है, शीशा का वो तो शीशा का अंदर तो है मधु शायद, लेकिन मधुमक्खी ऐसा ऐसा कर रहा है खाने के लिए, गंदू आ रहा है, घूम रहा है भूं करके, लेकिन उसका साथ मधु का कोई कंटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? देर इज अ स्क्रीन, स्क्रीन है ना, पर्दा है ना, एक शीशे का पर्दा है, उसका अंदर में मधु है, सामने नहीं है। वो चेष्टा कर रहा है, धक्का लगा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा दुनिया का हालत ऐसा ही है। सब पाठ किया, वेदांत पाठ किया, उपनिषद, मैंने हमने महाराज वेद पाठ किया, हम कुछ किया, कुछ भी करो, चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी कुछ भी करते हैं, वेदांती हो जाए, लेकिन ठाकुर जी का जो कृपा ये नहीं मिले बिना कभी अनुभव में आएगा नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ डायरेक्ट फीलिंग। भागवत प्रवचन बहुत आदमी करते हैं किस, लेकिन वो सालग्राम छोके बोले हमारा अनुभव में आया, बोल नहीं सकता, क्योंकि भागवत जी की कृपा हुई नहीं। चैनल चला दो मुश्किल, आस्था चैनल में हमको बार बार वो तुम्हारा उसका गुरु भाई आदि बोला, हम बिल्कुल नहीं, वो जहां करने दे करने दे, हम नहीं करेंगे, हम गाली देते हैं हरिकथा में, वो सब चैनल में चला जाएगा, तो ये बेकार। हरी कथा ऐसा है कि अनुभव के द्वारा सामने आएगा, तो उसी अनुभव का बातें अगर सुनते रहोगे तो अनुभव का तुम्हारा भी हृदय में अनुभव आते रहेंगे। तो ये जो मुह्यंती या सुरयो दिव्य सूरी गण का भी बहुत प्राप्ति होता नहीं, कितना कथा ऋषि मुनि हैं, इतना ज्ञान प्राप्ति होने का बाद भी माया में गिरने का लीला किया ना। वैशिष्ट मुनि मेनुका का साथ लटपट हो गया हैं, कितना सारे उदाहरण दे दे हो ना। ये तो एक लीला है। बामन गोस्वामी महाराज भी ये बात को ऐसे ही व्याख्या करते थे, हम भी ऐसे गुरुवर को व्याख्या एक ही है, उल्टा व्याख्या नहीं करते। तो जो है वैशिष्ट मुनि का ऐसा हो गया, दूसरा एक मुनि है विश्वामित्र, इसका ऐसा हो गया। तुम ये देख के बोलोगे हमारा हुआ तो क्या हुआ, ऋषि मुनियों का हुआ तो हमारा हुआ तो क्या हुआ। शास्त्रकारों ने बताया तुम एक बोका हो, फुलिश। ऋषि मुनियों ने ऐसा लीला करके एक तो माइलस्टोन तुम्हारे सामने फेंक दिया, कोई इसको देखो ये नतीजा है, ऐसा मत करो। छोटा हरिदास का कहानी हमने बताया, एक इट इज अ काइंड ऑफ माइलस्टोन फॉर मी, हमारा लिए एक माइलस्टोन, हम ये देख के सावधान रहेंगे। माताजी तो माताजी है, पिताजी नहीं होगा, हमारा सामने आया तो माताजी हो, भी इसके आगे एक बूंद भी बाढ़ने का कोशिश मत करो, माताजी माताजी। ये मेरा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, कितना फॉरेनर को हम मारा थप्पड़ बहुत मठ में, सब बोला श्याम बाबा इज टू हैवी, बोला हम भाग इधर से, ब्रह्मचारी रसोई कर रहा है उधर देख रहा, भाग तेरा क्या काम है, फटकार लगा दी, जा ऊपर जा, जब हरिकथा होगा नीचे आएगा, घूमो फिरो और सबको पतन कराओ, यही तुम्हारा काम है, ऐसा नियम नहीं है। तो ये जो विचार है उसमें उसमें लिखा है मुनिनाम ओपी विभ्रम, मुनियों का भी विभ्रम होता है, भ्रमित हो जाता है मन ऐसा विचार के द्वारा। ये मत समझो कि मुनि ऋषियों का भी उल्टा हुआ, हमारा हुआ तो क्या हुआ, नहीं, मुनि ऋषियों तो आग जैसा है, एक आग जलता हुआ आग में आप मांस का टुकड़ो दे, कुछ भी दे दो, अपवित्र चीज दे दो, आग तो आग ही है, उसको जला के उसको एकदम कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा अंदर में एक बूंद भी कुछ चले जाए तो तुम पागल हो जाओगे, मरोगे। बहुत सारे हंगामा होता है, भक्तों समाज भी कलुषित हो गया, बहुत मुश्किल। तो मुनि ऋषियों का जो मुनिनाम ओपी विभ्रमा, इसका मतलब मुनि ऋषियों ने इच्छा करके ये लीला रचाया
लीला रचाई, जैसे तुम्हारा नजर में आए कि ये मुनि ऋषि इतना पावर, ऐसा भी ऐसा हुआ तो हम सावधान क्यों ना हो जाए, ऐसा ऐसा है। तो मुझंती यह सूर्यो, जितना दिव्य सूर्य है सब मोह प्राप्ति हो जाता जिस विषय पर। आ तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्ग हमिषा, तिसर्ग हो तिसर्ग अमृषा, मृषा मतलब क्या है, झूठा, मृषा संस्कृत शब्द है, मृषा मतलब झूठा, अमृषा मतलब मिथ्या नहीं सच्चा, सच्चा है ना, अमृषा जिसका जादू ऐसा है जिसके द्वारा असत्य को भी सत्य प्रतीत कर दे तुम्हारा दिल में, है तभी ना संसार टिका हुआ है, ये लड़की है इसको ही हम शादी करेंगे, ठीक है इसी का चक्कर में पूरा गया, माया है ना, माया का चक्कर है, तो जादू है ये जादू ऐसा है जो सच्चा है, सच्चाई को तुम्हारा सामने पेश नहीं करें, क्योंकि तुम्हारा मजबूरी है, तुम्हारा तो अनुभव नहीं आया, ये तुम्हारा मजबूरी, ठाकुर जी नहीं जाता, ठाकुर जी जाता आ मेरा पास, लेकिन अपना ही किए हुए कर्म का फल भुगत रहे। तो इसी समय क्या होता है, बजती सर्ग हमेशा असत्य वस्तु को भी सत प्रतीति होता है, ये भगवान का इतना जादू टोना है। बोले एक दो एक मिसाल दे दो उदाहरण, बोले तेजो बारे मृदा यथा विनिमय, तेजो मतलब तेज तत्व, बारी मतलब पानी, तेजो तेजो मतलब तेज तत्व है, पंचभूत में आता है ना, खिति अपो तेज मरुद्भम, ये तेज तत्व जो है, अब बारी तत्व जो है, बारी मतलब जल पानी तत्व, और मृदा मतलब मिट्टी मिट्टी, हाँ माटी, ये मिट्टी मिट्टी जो है, ये तीनों तत्वों में हिलमिल आपस में ऐसा हालत पैदा हो जाए, कभी कभी आपको दृष्टि में भ्रम आ जाता है। जैसे एक उदाहरण दे दे, मरुभूमि में डेजर्ट, जहां मरुभूमि है, मरुभूमि में चलते रहो तो देखोगे दूर दूर बहुत पानी है, कि सनलाइट जो है वो बहुत तेज सनलाइट है, सूरज का रस्सी बालू के ऊपर पड़ के, बालू का एडजेसेंट जो बालुका का लेयर है वो गर्म होके उसका जो वायु का लेयर ऊपर उड़ जाता है, ऊपर का वायु का लेयर जो है जो डेंसर वो नीचे आ जाता है, ऐसा करके उधर वायु का अप एंड डाउन हो रहा है। अब दूर से जब देखे तो ऐसा लगे कि वहां पानी है, पानी बाता से ऐसा ऐसा हो रहा है, पानी है, कोई अगर जंतु है वो उसको पानी का प्यास लगा वो दौड़ते रहे तो करोड़ों जन्म में उसको पानी मिलेगा क्या, नेवर, ऐसा ही तुम्हारा हालत है, संसार में इस आनंद है सुख है, इस मरुभूमि में संसार नाम का जो डेजर्ट है मरुभूमि है, इसमें तुम दौड़ लगाते 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 तुम पागल बन जाओगे, मौत तुम्हारा जिंदगी में आ जाए, फिर भी सुख वास्तव जो सुख है, वास्तव जो शांति बोल के जो चीज है तुम्हारा कभी नहीं मिलने वाला, एकमात्र अगर संसार में रहते हुए भजन करोगे तो संसार तो तुम्हारा स्पर्श नहीं करे, तो तब तो संसार नहीं है, तो अलग बात है। तो तेज बारी मृदा, ऐसे जो मिट्टी तत्व तेज तत्व, बालू का तत्व क्या है, मिट्टी तत्व है, कोई आदमी जानता नहीं, किसी व्यक्ति ने वो जानता है, हम जहां था पानी भी पीता नहीं, खाता भी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो उसका जानकारी नहीं था, वो एक काम किया, शीशे के ग्लास में पानी लाया, शीशे का ग्लास में, शायद शीशे के ग्लास कोई खाया होगा, और वो लोगों का बुद्धि नहीं है, बोला वो धोखे दिया है महाराज, हम तू तो धोखे दिया है, लेकिन ये जो शीशा है वो शीशा मिट्टी तत्व है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, ये जो शीशा है मिट्टी तत्व है, मिट्टी तत्व तो एक बार खाओ तो झूठा हो जाता, उसको फेंकना पड़े, जैसे चाय खाओ उसका जो भांड भाड़ है फेंको, तेरा संसार में चलेगा, हमारा तो चलेगा नहीं, हम खाता नहीं, प्लेट में फल लाए हम दूर, साबुत देना है तो एक हाथ दे दे हम ले जाएंगे ठाकुर जी के, देखिए तो जानता नहीं है, किसी को जानकारी है ना तो कौन बताए, बताते भी नहीं है,
एकादशी का दिन मार्केट का दूध पाउच मिल्क लेके आता है, उसका अंदर में कितना पांचिंग है, सोआ मिल्क है, कुछ है, ओ गया तुम्हारा एकादशी, क्यों दूध के बिना नहीं रह सकते हैं, गया तो तुम्हारा एकादशी, कोई बताएगा। फिर गौ माता का जो दूध काढ़ने का टाइम पे अगर सरसों का तेल अप्लाई करके अगर दहन किया तो वो भी एकादशी तुम्हारा गया, तुमको पता नहीं। घी भी लगा दिया वो भी चर्बी घी है तो और गया तुम्हारा एकादशी पूरा गया। तो एकादशी ऐसा चीज नहीं है, सही ढंग से हरिकथा सुनो। एकादशी का मतलब आप सोचते हो कि व्रत रखना है, आप फिर बिना बिना पानी बिना खाना, तो व्रत का मतलब ये नहीं है, व्रत का मतलब ये नहीं है, व्रत का मतलब है ठाकुर जी का सामने बैठो, गुरु वैष्णव के सामने बैठो, बैठ के हरि कथा कीर्तन सुनो, सुन के अपना एकादशी को वास्तव एकादशी में बदल लो। एकादशी तो पालन किया लेकिन वास्तव एकादशी हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए इतना एकादशी क्या फल नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि एकादशी सही ढंग से हो नहीं पाता। रात्रि जागरण करो तो आपस में उल्टा पलटा बातों में गंवा दिया। रात जागरण करो मतलब क्या है, पूरा रात संकीर्तन करो, धीरे धीरे हरिकथा सुनो, तब तो रात्रि जागरण होगा। हम तो रात जागा है महाराज, सोया नहीं, सोया नहीं तो तुम्हारा सोने से नहीं सोने से क्या रिजल्ट है, हमारा क्या आता जाता है? ठाकुर जी बोलते हैं तुम सो ना सो, उसमें हमारा क्या आता जाता है? हमारा कुछ है? खूब पाठ करो, खूब कुछ करो, ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए नहीं हुआ तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा? अधामना सेनो सदा निरस्त कुहकम, धामना माने तेज, धाम धाम का मतलब, धाम का जो ये धाम शब्द है इसके द्वारा तेज, इसके द्वारा प्रभाव, इसके द्वारा आलक, इसके द्वारा सब बहुत कुछ माने आता है धाम का। धामना माने धाम के द्वारा, सेनो सेनो धाम अपना जो धाम है, प्रभाव है, प्रतिपत्ति है इतना, इसके द्वारा सदा हर वक्त निरस्त कुहकम, जो कुहक है, कुहक मतलब जादूगरी, जादू है ना आपका सामने, ठाकुर जी को देखने नहीं देता, ठाकुर जी को देखने नहीं देता, हरिकथा सुनने नहीं देता, मठ में आने नहीं देता, साधु संग करने नहीं देखा, गंगा पानी इतना तक आए मिलन पली तक और किसी को नहाने का इच्छा ही नहीं हो हरिकथा में, हुआ गंगा पानी चल के आए इतना दूर से और किसी का नहाने का इच्छा ही नहीं हुआ, तो मरो संसार में मरो, हम क्या करें। तो धामना धामना सेनो सदा निरस्त कुहकम, तुम्हारा सामने जो माया का जादू है ये जादू को ठाकुर जी क्या कर, ठाकुर जी क्या करे, धामना सेनो सदा निरस्त कुहकम, अगर तुम सिंसियर हो, सदगुरु मिल गया, पूरा कीपा हो गया, ठाकुर जी का कथा कानों में आया, अनुभव आया, तो तुम्हारा सामने माया का प्रभाव नहीं चले। निरस्त कुहकम, कुहक निरस्त हो जाएगा, निरस्त मतलब पावरलेस, अस्तो फेंक फाक के भागे भागेगी माया जी। निरस्त कुहकम, कुहक मतलब माया, ये तुमको देखने नहीं देता। अब वो सत्य वस्तु जो है जिनका बारे में ये सब बताया, वो परम सत्य वस्तु का बारे में बताया, सत्यम परम धीमही, सत्यम परम धीमही, यही परम सत्य वस्तु को हम लोग ध्यान करें। क्यों खंड खंड वस्तु पर ध्यान लगा के बैठे हुए हूं तमाम, ये तो हमने ये तो हमने बहुत संक्षेप में व्याख्या किया, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं आया, ये तो किया दो तीन घंटा अगर व्याख्या करे तो हमारा संतुष्टि नहीं होता, क्योंकि ये जो है इसमें ब्रह्म ये जो गायत्री मंत्र छुपा हुआ है, क्योंकि सत्यम परम धी जितना भी गायत्री दिया गया ना आपको, गायत्री का मंत्र धीमो ही बोल के पद है ना, धीमो ही बोल के पद है, तो धीमो ही बोल के धीमो ही मतलब वो परम वस्तु। और गौड़ीय मठ का सबसे ऊंचा विचार है, जब भी हालत ऐसा हो गया दुनिया का आदमी उल्टा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी बोले दुनिया गौड़ीय मठ का विचार सबसे ऊपर है, इसका ऊपर कोई नहीं आता। ओ गायत्री मंत्र का जब जप करें, ब्रह्म गायत्री जब करोगे
ये ब्रह्म गायत्री जप करते करते क्या देखोगे, सूर्यमंडल का अंदर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन सुवर्ण वर्ण जो गौरांग महाप्रभु ऐसा बैठा ऐसा खड़ा हुआ है, वो सुवर्ण वर्ण तेज जो सूर्य का रस्सी का साथ मिल गया, दिखाई नहीं पड़ता, ठीक से देखो चैतन्य महाप्रभु गोल्डन कॉम्प्लेक्शन सोने का एकदम, सूरज का जो रश्मि है सुबह का टाइम में देखो तो मिल जाता है ना सोने जैसा, कच्चा सोना जैसा ऐसा है ये। इसका बारे में ध्यान करना, ये वास्तव ध्यान है। और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करो, जहां हम रहा था पहले ब्रजमंडल में सूर्य कुंड है, राधा कुंड से तीन किलोमीटर जाना पड़ता है, छोटा बन्ना गांव का नाम है, वह सूर्य नारायण भगवान, वह राधा रानी का सूर्य पूजा आदि लीला हुआ। सूर्य पूजा मधुपान सूर्य पूजा खेला, मधुपान और सूर्य पूजा खेला, जो सूर्य पूजा का जो खेला लीला वहाँ उसी जगह सूर्य पूजा, भगवान श्री कृष्ण पुरोहित बन के राधा रानी को पूजा कराए, राधा रानी पूजा करने के लिए और सखियों के साथ आई थी, बड़ा भारी सुंदर लीला है, रसबोध होगा मध्यान्ह का लीला। लेकिन किसी का प्रवेश अधिकार कैसे हुए, प्रवेश का करने का पहले वह एक बोर्ड लगा हुआ है, हैं एक बोर्ड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जोर जबरदस्ती प्रवेश करने जाओ तो तुम्हारा मामला हो जाएगा, मतलब ये मजे का बात है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस लीला में जाओ। पहले ये लड़की ये लड़का ये हो या फलाना है ये सब भाव से ऊपर उठो, चिन्मय भाव आए जिंदगी में, चिन्मय भाव आए तब तुम्हारे ये सब सुनने का अधिकार होगा। और ये जो आनंद मिले वही तुम्हारा आखिरी जन्म है, ठाकुर जी के पास जाओगे नित्यकाल, वहां सेवा में लग जाओ, लेकिन अभी नहीं होने वाला। खूब कथा सुनो, अरे जन्मादश श्लोक जो है इसका दूसरी किस्म का व्याख्या हम सायंकालीन अधिवेशन में करेंगे, ये जन्मादश श्लोक का है और किस्म का व्याख्या करके हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भागवत अनंत समुद्र, जब भागवत कहते रहते तो हम पागल हो जाते, कहां से कहां बताए, सब लगता है कि ये टेस्टफुल है कहां जाए हम। तो ये जन्मादश श्लोक का हम सायंकालीन अधिवेशन में जरूर एक दूसरा नया टाइप का व्याख्या करेंगे, ठाकुर जी का कृपा हुए तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। यन्वादस्तु यतोन्मयादितराश्चार्थेषु सविघसराट तेने ब्रह्मेदाज आदिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो बारी मिदा यथा विनिमयो यत्तति सर्गः मृषा धान्यासेनो सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि वांछा कल्प दुर्वश्य के पास सिंधु वैवश्य पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमः।